इन आई जब मैंने देखे सारी पीठ दील हुई पड़ी है, नाट टूटी पड़ी है, हाथ टूटा पड़ा है, पाम इत्या तहरा सूझ के सरियान सो, इतनी बुरी गत सुमारी, इतनी भगतानी छोरी, ऐसी गांव में एक छोरी ना है जैसी छोरी, इतनी सुपातरी, सारो गांव रो रो वा छोरी दहेज के ऊपर मारे, छोरी में कोई कमी ना है। हाँ वो छोरी इनके ही आके नहीं एक बार इनसु हमने खूब पता सब बातन की नु कही आके दहेज के ऊपर मोल कलियस करे, जब यही सु गया तो अपनी सरा में ढक के सुसर सु कह के नहीं आगा, अब सुसर समझा दिए गो बेटा फिर ना समझो, इतनी बुरी गत सुमारी है और सारा गांव के दुख है छोरी को, इतनी बढ़िया छोरी। परिवार अभी बड़े दुख में है क्योंकि अभी उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। एक साल पहले शादी के बाद जब परिवार चाहता है कि बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रहे, लेकिन कम दहेज होने की वजह से या दहेज पूरा जो उनकी मांगे थी वो पूरी ना करने की वजह से परिवार का आरोप है कि बेटी को उन्होंने इसी वजह से खोया है, यानी कि ससुराल पक्ष वालों ने उनकी हत्या की है। अभी एक माँ है जो कि अभी अपनी बेटी को जिन्होंने अभी ये कह सकते हैं कि विदा किया है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है, अब उनका दर्द आप समझ सकते हैं। मैं बताऊंगी मेरी बेटी को पतो अल्लाह को सामान दियो, बेड कुर्सी मेज LCD ऐसी मतलब कोई भी चीज ना छोड़ी, मेहमान को 2 तोला की लड़ है, 1 तोला की अंगूठी, 5 को 7 सी, सास को सोने की, ददिया सास को 5 है, ससुर को 5 सी, 10 तोला और मतलब दहेज में मारी मेरी बच्ची, अब पूर्ति फिर करो और रुपया 21.5 लाख रुपया, 20 लाख को मेरा टेंट लगो, 15 से आदमी करवटी दी मैंने, खेत बेच दिए मैंने बेटी के ऊपर, और फिर दहेज चाहिए, फिर दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्रेटा बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, अब लोग 2 तोला सोना दे दिए मैंने, अभी 2 तोला अब गई जब 25 तारीख को महीना हुई, और एक लाली एक लाला 25 तारीख को महीना हुई, और बच्ची आज नहीं किनारा मम्मी नहीं किनारा, आते लेके गए अपने भैया है वो ससुर ते की, तो ये तो है शर्म की, तो इनने वात ससुर ते कह के बेटी कोई दोष लगा, लाली तेरे घर रह जाएगा मरन दे केंदे हमारी शर्म बिंग रही थी इतने बड़े बयान में करके ब्याह, वो शर्म को पच के अये धनी को खेत भी बिक गो, बेटी भी मरा दी, अब का जवाब के दे, और वो अभी नार मरू रही, अब तो जरियन ने दो जने ने वो सुसन ने वो धनी ने नशे रही है, सुई भी लगावे और सास संग में बच्ची कितना पड़ी है बार ना भी ये कर ली भोरी भारी गबली चाला तो मारती उनको हाथ, ये कहानी है। अब या बेटी भी मर गई या खेत भी बिक गो, अभी आप रहे हो कहा है, अब दूसरो ब्याह अब करो, और ये हाथ नो लटक रो लाला, हाँ कोनी पैती और यहाँ पीठ पे पूरी लील। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी कामा विधानसभा का एक गांव है, कामा ब्लॉक का एक गांव है ब्लॉन, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे का दृश्य देख रहे हैं, लोग शोक सभा में बैठे हुए हैं, शोक सभा, यहाँ इनकी बेटी जिनकी शादी लगभग 1 साल 2 महीने होने को है वहाँ करते हैं वो लोग पहाड़ी में, लेकिन जब परिवार को 1 साल बाद मिलता है तो सिर्फ बेटी का शव मिलता है, उसके पीछे की पूरी जानकारी जो है उन परिवार वालों से लेंगे। परिवार का आरोप है कि जो ससुराल पक्ष वाले हैं जहाँ बेटी को ब्याहाया गया था उन लोगों ने उनकी हत्या की है, तो सारी बात उनके परिवार उनके पिताजी जो हैं देखिए समझ सकते हैं, जिनकी बेटी गई है उन पर क्या बीत रही होगी, इस दर्द को आप सोच सकते हैं बस खाली, लेकिन वो परिवार किस तरह देख रहे हैं आप। यहाँ अभी शोक सभा में हैं सब लोग, पूरा परिवार और गांव के आसपास के लोग। जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा बिजेंद्र लाल। बिजेंद्र जी सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मामला है पूरा? मामला जी मेरी बच्ची के 1 साल पूर्व मैंने शादी की थी, उसी से लगभग 1-2 महीने बाद ही उस टॉर्चर करने लगे, दहेज की पैसा की मांग करने लग गए, अगर मेरे बेटे को तो वहाँ से 3 रुपये मिल रहे थे, गाड़ी मिल रही थी क्रेटा फिर भी तू ले ली, या तो तेरे बाप का हिसाब करवा ले जा नहीं तो और पैसा ला मेरे लिए। ससुर भी कहता था, सास भी और वो लड़का भी, फिर एक बात दो बार वो रूस के भी आगे वो लड़की हमको बताती थी, फिर मैं भी 1-2 व्यक्ति लेके गया हूँ वहाँ पर, बीच में समझौता किया साहब ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्यों मांग कर रहे हो पैसे, जितनी हमारी बस की हमने पैसा खूब दिया है, मैंने 21.5 लाख रुपये नकद करीबन 50-60 लाख रुपये लगाए शादी में, 10-12 तोला सोना लत्ता कपड़ा फर्नीचर वगैरह सारा सामान दिया है,
अभी 25 दिन बाद पहले ही गई थी लड़की यहाँ से, तो जब उसको मैं ही लेकर आया था लड़ाई में, उन्होंने हाथापाई कर दी थी उसके, उसको ये धमकी थी कि कह तो पैसा मिल जाए नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे सीधी, हम कुछ नहीं, हमको तो तुम्हारी मांग दहेज मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। बेटी ने मुझको बताया कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह तो पापा उनके पैसा की पूर्ति कर रहे हैं, मार कोई ठहरी ना है पैसा की। फिर मैं गया हूँ वहाँ से, फिर समझौत करके वो लेने आए, बच्ची करीब 25 दिन महीना भर हुआ यहाँ से महीना, वो ले गए। उससे एक दिन पहले भी फ़ोन पे बात हुई है, उसने अपनी मम्मी से बात करी है कि ये मम्मी फिर कलेश कर रहे हैं, हम तो जान से मार देंगे, अब तू जाएगी अपने रक्षाबंधन पर, बोल दे रहा हूँ उससे या तो हमको पैसा दे दें, अब तू तीजर ही आ रहे हैं रक्षाबंधन इन पर जाएगा, उनसे साफ साफ बता देना। कल जो मुझे घटना मिली 3 तारीख को, ये शाम को 2 तारीख को मेरी शाम की बात हुई है बिटिया से, 3 तारीख को मुझसे करीबन 4:30-5 बजे उसके को रिलेटिव रिश्तेदार का, उसकी जो लड़की भी आई उसका फ़ोन आया, आप कहाँ पे हो? मैंने कहा कि साहब मैं गांव में ही हूँ, घर पे ही हूँ। मुन साहब थोड़ा अलग होकर बात करो, मैंने बताओ साहब कहा, मुन साहब आपकी बिटिया के परेशानी है। मैंने क्या परेशानी है? लास्ट में उसने किया कि आपकी बिटिया उन लोगों ने मार दी है, हम यहाँ से आनंद फानन घर से गए, जनानी गई, हमारी औरतें गई, गांव के कुछ और भी गए, घर परिवार के गए, उन लोगों ने हमको देखन भी नहीं दिया, धक्का मुक्की करी है, प्रशासन पुलिस आई है जब उस लाश को उठाया है बरामदे में से, उनने तो तैयारी कर रखी थी, कांठी बाठी जो सामरी ने दाह संस्कार की वहाँ पर हजारों लोग की भीड़ थी, हमने जन केस कैसे लिए, भाट पत्थर भी बजाए उन लोगों ने, जनानियों के हाथ तलाक खा लिए, फिर हमने मेडिकल करवाया है, दाह संस्कार आके अपने गांव में किया 4 तारीख को। अब हमको जो सूचना मिली है उसमें कई और भी 2 जनानी हैं, जैसे बताएं वो लड़की घर से बाहर लिख लिए पिटती कुटती, तो उसके ये सूट वगैरह फटके हैं, तो उसको खींच के लाए, तो उसमें 3-4 तो आदमी हैं और 2 जनानी हैं, ये हमको रिपोर्ट। कौन कौन आदमी हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और बेटी का क्या नाम था? वो तो सास ससुर तो है ही, दामाद जो पालन करते क्या है, वो टीचर है सर स्कूल में, लैब स्टैंड बोले जिनसे, वहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, पहाड़ी नहीं लैब स्टैंड है ये। उससे पहले भी हमने जानकारी मिली है कि वो जो लड़की सुसर वो अपनी पत्नी को पहले भी ऐसे मार चुके हैं, फिर वो मामला वहीं दब गया था, उसने लड़की से भी कहा, मुझसे खुद लड़की ने बताया, लेकिन मैंने उनसे बात, अरे साहब हम तो धमका रहे आप उसे जाते, उससे ऐसी कोई बात ना, ऐसी शिकायत ना सुनेंगे, अब पैसा दिल्ली साहब मांगे ये साहब, अब हमको मिल रहे क्या मल्लाक भरतपुर से मिल रहे, गाड़ी दे रहो क्रेटा, अब तुम पनाव साहब गाड़ी दे जाओ। आपकी बच्ची के कोई शरीर में कोई ऐसा निशान जिसे आप कह रहे कि भाई उनको? हाँ निशान है ना कैसे कैसे? हमने जाके देखे निशान, मेडिकल में देखे हमने, तो हॉस्पिटल वहाँ तो हमको देखे नहीं थे उन लोगों ने, पुलिस को दार गई, तो उसके ये जो निशान है यहाँ का, तो वो तार का निशान वो नहीं, यहाँ निशान है, पीछे निशान है, ये देखो। और मैं उस अवस्था में इतना लाचार था सब देखने में, तो गैर होशी साहब, मुझे तो रिपोर्ट भी लिखी है ना ये नहीं पता, खाली सिग्नेचर करवाए, किसने लिखी है, कैसे लिखी है, ये हालात है। अच्छा, उस वक्त आपने मतलब देखा और फिर जाना कि बेटी जो है, मतलब उसको आपको क्या लग रहा है कि हत्या है या फिर उन लोगों ने मारी है साहब? अच्छा, हत्या है उन लोगों ने मारी है साहब, जिस करके डेली के जब फोन कई बार इसमें कम से कम 10 बार चर्चा चल रही, दहेज की मांग पूरी ना हो रही, उन्होंने स्पष्ट लड़की से कहा है कि तो हमको पैसा और गाड़ी मिल जाए नहीं तो हम तेरी मार देंगे, जान से मार देंगे, और कुछ नहीं मिला, हमने पहले कर दिया। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ससुर का भी कोई ऐसा मामला रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी का मामला रहा है वहाँ, पहले पूर्व उसने अपनी पत्नी 2 घरवाली पहले मार दी, फिर दोबारा शादी करी उसने, उसके भी बच्चे हैं और उसके बच्चे हैं। आपने जैसे अभी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो रिपोर्ट होने के बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा है, क्या कुछ अभी रहा है? पुलिस का जी अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है, मुलजिम तो उनसे कम से कम लगभग 500 मीटर दूर है थाना, वो लोकल क्षेत्र, उनको लोगों को दबदबा है, और पुलिस ने इसमें कोई नहीं हमको ऐसे सबूत जुटाए कि भाई किस किस कारण मरी है, इसमें कौन कौन लोग और हैं, इसमें कौन कौन शामिल इस पाप में मुलजिम है, उसके परिवार हैं, जैसे एक आध लेडीज और सामने आ रही है कि ये लोग थे, उनने पकड़ खिलाए, फिर वो कमरा मंदर करी है, ठंडी तो भगे जैसे घर से, ये है साहब। अच्छा, अभी मतलब जो
मतलब पुलिस की ओर से आपको जो मिलना था या फिर ये कहें कि इंसाफ की जो बात आपकी थी कि इंसाफ चाहिए वो भी आपको नजर नहीं आ रहा है? बाकी क्या अपील करेंगे अगर मान लीजिए पुलिस थाने से नहीं हो रहा है तो आगे क्या स्टैंड लेंगे? बेटी को न्याय दिलाया जाए, निर्मल हत्या करी गई है पैसों के लालच में, और जिस दिन से वो ये लड़की ने ये भी बोला था कि मैं इस घर में आई हूँ जब इसे लड़ाई चालू कर देती है, सिर्फ पैसे के ऊपर कलेश और कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत बिलौन तहसील कामा जिला डी। सरपंच साहब, गांव का जो ये मामला है, बेटी नीतू को बिहाया गया था, तो परिवार वाले और फिर आपको क्या लगता है, इससे पहले भी कुछ शिकायतें या फिर आप भी कभी इस मामले में वहाँ गए हैं परिवार के साथ? उसने उसको 21.5 लाख रुपए तो नगद दिए, खांड कटोरे में 10 तोला सोना दिया, कम से कम 4 लाख रुपए का फ्रीज कूलर बेड वगैरह ये सामान दिया, 60 लाख रुपए शादी में लगा। महीना भर बाद से ही वो बच्ची को परेशान करने लगा, कहता मेरे को तो भरतपुर से मिल रहे थे 51 लाख रुपए एक गाड़ी, आप मेरे को क्रेटा गाड़ी दीजिए और 31 लाख रुपए और दीजिए। जिस लड़के के लड़की ब्याही गई थी वो लड़का क्या करता था? वो वहाँ क्लर्क है उसमें स्कूल में, पालेंदर नाम है उसका। पालेंदर नाम है? हाँ। पहाड़ी के रहने वाला? पहाड़ी का ही रहने वाला। बच्ची के साथ उन्होंने क्या किया? बच्ची के साथ वो मारपीट करते थे। यहाँ इसने एक आध बार हमसे कहा, हमने उनको समझाया बुझाया, भाई जो तुमने कोई तय तो हमारी थी नहीं उसमें शादी में, वो जो लोगों ने कहा उससे हमने 50,000 और आपको फालतू दे दिए, और भाई इसमें कोई ऐसे थोड़ी है, बहुत सीधी बच्ची थी और आप बार बार इसको परेशान करते हो। उन्होंने कहा अब नहीं करेंगे साहब, दो चार आदमी जैसे गए थे उनसे मना कर दिया कि अब नहीं करेंगे परेशान, बाद में फिर करने लगे। अभी वो कम से कम 25 दिन पहले ही यहाँ से गई थी और 3 तारीख को उसको निर्मम हत्या कर दी गई दहेज के ऊपर। फिर परिवार जब वहाँ पहुँचा तो फिर क्या कुछ वहाँ का सीन रहा, क्या कुछ रहा परिवार का सीन क्या रहा? वहाँ परिवार पहुँचा तो पहले तो देखने ही नहीं दे रहे थे, वहाँ काफ़ी लोग थे उनके, हमारी औरतों को भी नहीं अंदर घुसने देते थे, उनके हाथ पे वगैरह को खा गए, देख लेना आप दिखाएंगे अंदर है, तो जैसे तैसे वहाँ घुसे तो देखा उसके क्या है, ये है फांसी जो लगाई हुई है ऐसे जा रही है, आप भी फोटो में देख लेना, और वो क्या है पतरा वो है तार, पुलिस तो लाई थी, पुलिस को तो वहाँ मिला नहीं है, उसको लाई थी, मैं भी था वहाँ, जो भैंसों का जेबड़ा होता है ना वो लगाते उसमें भमर कली लग रही, उसको बरामद करके लाई। हमने कहा भाई ये तो ये बहुत मोटा है भैंसों का जेबड़ा पर रेट बांधने का, मैंने कहा मैं लगाता हूँ इससे फांसी और आप मेरा मर जाऊँ तो कोई नहीं, वो मैंने लगाया वो ऐसे निकल गया ऊपर कर, और फिर उससे मरता ही नहीं हो तो घूमता था, मिला ही वो था पुलिस को, तो पुलिस गई थी वहाँ 24 घंटे बाद, उसको सील वील नहीं किया उन्होंने पहले जा करके, कुछ नहीं, पुलिस तो उन्होंने पहले बना ली थी, बिक गई थी पुलिस तो, डॉक्टर भी बिका हुआ है, पोस्टमार्टम जो कराया गया उसमें भी आप लोगों को सब बिके हुए हैं, पैसा ले लिया उन्होंने डॉक्टरों से, हमने कहा हमें रिपोर्ट दीजिए, कोई रिपोर्ट नहीं, फिर उन्होंने चोट के निशान उसमें ऐसे सुनमें आ रहा है चोट के निशान लिखे ही नहीं है, क्योंकि तो पहले बच्ची मर गई थी 10 बजे और यहाँ सूचना मिली 4 बजे 4:30 बजे, हम पहुँचे वहाँ 6 बजे, इतने उनने जो हत्या करेगा वो तो अपना पूरा काम सबूत छिपा देगा, पूरा सबूत उनने अपना वो करके नहीं सबसे बातचीत करके और जब जाके क्या है वो सेट किया, उनका तो प्लानिंग था पहले से, तो हम तो न्याय चाहते हैं साहब, हमें तो न्याय मिलना चाहिए, पूरी बस्ती चाहती है इस बात को। ये मामला जहाँ पर एक नीतू नाम की बेटी जिसकी शादी 2023 में की गई 10 जून को की गई, अब 1 साल 2 महीने यानी कि कल के दिन हो जाएंगे, आज 9 अगस्त है, और बेटी जो है उसकी हत्या जो है परिवार का आरोप है कि हत्या की गई वो भी 3 अगस्त को, और 3 अगस्त को सुबह लगभग उसकी हत्या कर दी गई थी। परिवार को सूचना आती है लगभग 4 बजे, परिवार वहां पहुंचता है लगभग 6 बजे के आसपास, जब परिवार वहां पहुंचता है तो परिवार को ना देखने दिया जाता है और ना परिवार को वहां बेटी को दर्शन करने दिए जाते हैं और अंतिम यात्रा की पूरी तैयारियाँ रहती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है अगर इस तरह की बातें थी तो वो कहीं प्लानिंग मर्डर, जिस तरह परिवार बता रहा है, बेटी का परिवार कह रहा है कि प्लान करके उसका मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई है, क्योंकि अगर वो आत्महत्या वाली बात होती तो यहाँ ये भी
भी नजर आता, ये भी बात सामने आती कि परिवार को वो सारी चीज़ें बताई जाती और परिवार को दिखाई भी जाती, लेकिन परिवार ने जब वहाँ जाकर ये बात जाननी चाही, बेटी को देखना चाहा, तो ना परिवार को देखने दिया गया, परिवार के साथ धक्का मुक्की की गई, महिलाएं जो उनके साथ गई हुई थी उनके कपड़े तगातों को फाड़ा गया, पुलिस की अगुवाई में वहाँ से सब को मोर्चरी तक ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए साथ ही वो चाह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है उनका भी ऐसा कोई रोल एक्शन नहीं आ रहा है कि जिस तरह जिस हत्या के प्रयास में या फिर यूँ कहें कि जिस तरह FIR उन्होंने कराई है, तो उसके बाद उस मुकदमे के बाद भी पुलिस ने अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी मुजरिम जो उसमें नामजद मुजरिम है उनको आज तक अभी तक हिरासत में नहीं लिया, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत कर रही है, क्योंकि परिवार का ये मानना है, क्योंकि पुलिस थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर परिवार रहता है, जो गांव के लोग हैं उन्हीं के गांव में थाना है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं परिवार को, जो बेटी का पीड़ित पक्ष परिवार है, वो चाहता है कि इंसाफ मिले और कपड़े जो है वो फटे हुए हैं, शरीर जो तन है उस पर निशान है, गर्दन में जो है वो पूरा निशान बना हुआ है। तो इसे ये है कि अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो क्या आती है इसे जाहिर होगा, लेकिन परिवार का भी यही है कि दहेज की बार बार मांग होती रही है, परिवार से दहेज मांगा गया है और दहेज मांगने के साथ साथ बेटी के साथ पहले भी इस तरह के जो मामले होते रहे हैं, पहले भी उसको प्रताड़ित किया गया है दहेज के मामले में, और आखिरकार 3 अगस्त को बेटी 2 को बात करती है लेकिन 3 को आखिरी बात हो पाती है और परिवार बात भी नहीं कर पाता, फिर 3 को उनके अंतिम दर्शन कर पाता है, परिवार वहां से लेकर आता है, अंतिम जो संस्कार है वो बेटी का उसके पैतृक गांव में किया गया। इस मामले को लेकर मैं चाहता हूं कि इंसाफ मिले बेटी को, क्योंकि आज अगर हम इस तरह से बेटियों को खोएंगे तो आखिर क्या होगा, इस समाज की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, और मैं चाहता हूं कि पुलिस इसमें जो है सपोर्ट करे उस पीड़ित परिवार को और ज़रूर इस बेटी को न्याय दिलाए। लगातार आप देखते रहें DTV, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जकोली, धन्यवाद।